कौशाम्बी जिले में एक अधेड़ की नाराज दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। अधेड़ का आरोप है कि जिस समय वह बारिश से बचने के लिए छप्पर डाल रहा था, तभी उसने पड़ोसी से लकड़ी हटाने को कहा, जिससे नाराज दबंगों ने अधेड़ और उसके लड़के की जमकर पिटाई कर दी, जिससे अधेड़ के सर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस तहरीर मिलने के बाद से जांच में जुटी है। घटना सैनी थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव का है मामला, जहां गांव के रहने वाले करनलाल मजदूरी करके अपना और परिवार का भरण पोषण करते हैं। बारिश के दिनों में कर्ण के परिवार को रहने की दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण आज सुबह करण अपने घर के बाहर छप्पर डाल रहे थे। करण का आरोप है कि उनके पड़ोसी शिव सागर से घर के बाहर रखी लकड़ी को हटाने के लिए कहा, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि उसके बाद शिव सागर ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर करण और उसके लड़के की जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल करण ने सैनी थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन में जुटी है। करण का आरोप है कि आरोपी उसके परिवार के ही लोग हैं, जो अक्सर जमीन को लेकर उससे विवाद करते रहते हैं, जबकि उनका पारिवारिक बंटवारा पहले ही हो चुका है, लेकिन आरोपी जबरदस्ती उससे घर में कब्जा करना चाहते हैं, जिसके कारण वह आए दिन उसे गाली गलौज मारपीट करते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद के कारण लड़ाई हुई है, जिसकी छानबीन की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बंटवारा हो गया, घर भी वो अपने बना लिए, नहीं भर लिए, हम भी हमारे सामने ईंटा लगा दिए। उसके बाद आज हम चिट्ठी, हम सोची भी बांध लें कि हमारे पास मान लो पैसा नहीं, तो अपने किसी तरीके रहेंगी पल्ली डाल के किसी तरीके से। अब उसको जो है हमारे तरफ फेंक दिए। कौन फेंका है आपकी तरफ? हाँ, कौन फेंका है? हमारे परिवार ने फेंकी, वो सागर। आपको चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी जी? उन्होंने लोग मारे हैं जी, 7-8 आदमी। कौन कौन थे? शिव सागर, चंद्रशेखर, भैरव प्रसाद, मोहन और औरतें मिलते हैं। आपका नाम क्या? करण लाल।